हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या थे लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल तो लास्ट लेक्चर में लैंड लेबर और फिजिकल कैपिटल के बारे में हमने डेफ्थ से डिस्कस कर लिया था अब हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की एंड योर सेकेंड चैप्टर इज ऑल अबाउट द ह्यूमन कैपिटल ओके okay? सो so, अब लेट सपोज क्या आ, एक आपके पास क्या है ना आपके पास लैंड है लेबर है एंड फैक्ट एंड फिज़िकल कैपिटल भी है तो क्या आप प्रोडक्शन कर पाओगे नहीं कर पाओगे क्यों नहीं कर पाओगे बिकॉज हमारे पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है अब आप कहोगे कि मैम लेबर भी तो ह्यूमन कैपिटल ही है बट अब आप सपोज करो कि एक पर्सन है जो कि इलिट्रेट है प्लस वो इलिटरेट है तो क्या वो बिज़नेस रन कर पाएगा आइडियाज़ जनरेट कर पाएगा प्रोडक्शन कर पाएगा और प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनको असेंबल करके प्रोडक्शन कर पाएगा क्या बिल्कुल नहीं कर पाएगा इसीलिए जो लेबर है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन है ह्यूमन कैपिटल नहीं है ह्यूमन कैपिटल का मींस होता है एक ऐसा ह्यूमन जो कि एजुकेटेड हो स्किल्ड हो और ट्रेंड हो उसके पास आइडियाज़ जनरेट कर सकता हो वो प्लस वो हेल्दी हो तो इसीलिए हमें ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है ओनली ह्यूमंस की नहीं प्रोडक्शन के लिए और इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए ओके okay, तो अब देखो ह्यूमन मीन्स पीपल पीपल मीन्स हमारी कंट्री की पॉपुलेशन तो हमेशा से सालों से क्या है ना कि हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसे लाइबलिटी माना जाता है असीट्स नहीं माना जाता है अब आप कहोगे लाइबलिटी क्या होती है और असेट्स क्या होती है तो लाइबलिटी मीन्स आपकी ड्यूटी लाइक like, अभी आपकी क्या ड्यूटी है कि आपको स्टडी करनी है अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी है अच्छे से परसेंटेज लेकर आने है, है ना और सपोज़ करो कि हाँ आपने लोन ले रखा है बैंक से तो आपको बैंक को लोन पे करना है विद इंटरेस्ट तो ये आपकी क्या हो गई लाइबिलिटी हो गई है ना और आपके पेरेंट्स जो है आपके पेरेंट्स आपको एजुकेट करें आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं ये आपके पेरेंट्स की लाइबिलिटी है है ना तो आई होप लाइबिलिटी आपको समझ आया है लाइबिलिटी मीन्स ड्यूटी जो आपको फुलफिल करनी है ओके नेक्स्ट इज अट्स असेट्स क्या होती है असेट्स लाइक like आपके पास एक घर है तो आपने उसे क्या क्या रेंट आउट कर दिया और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो क्या हो गया वो आपकी असेट्स हो गई वो इंटरेस्ट सॉरी आपको रेंट मिलेगा तो वो जो रेंट मिल रहा है वो आपको एसेट्स हो गई है और आपके पास कुछ रुपीस थे वो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए तो बैंक आपको विद इंटरेस्ट पे करेगा तो वो रुपीस और वो इंटरेस्ट क्या हो गया आपकी एसेट्स हो गई है ना एट द सेम टाइम आपके पेरेंट्स आपके लिए एसेट्स है बिकॉज वो आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं सपोज आपके पास एक लैपटॉप है कंप्यूटर है तो वो लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन जो है आपके पास वो क्या है आपकी असेट्स है तो आई होप अब आपको लाइबिलिटी और में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वॉट इज लाइबिलिटी एंड व्हाट इज असेट्स है ना नेक्स्ट मैंने बात की कि अब देखो पॉपुलेशन जो है हमारी उसे एज अ लाइबलिटी कंसीडर किया जाता है एसेट्स कंसीडर नहीं किया जाता है तो ऐसा क्या किया जाए कि जो पॉपुलेशन है हमारी वो लाइबलिटी से हमारी एसेट्स बन जाए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन्वेस्ट मींस लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपके पास कुछ रुपीज़ थे आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए है ना तो वो जो रुपीज़ जो आपने बैंक को दिए हैं इट मीन्स आपने वो रुपीज़ बैंक में इन्वेस्ट किए हैं बैंक में लगाए है, है ना? तो अब पॉपुलेशन में हम क्या लगाएंगे हमें पौपुलेशन में, में पौपुलेशन को लाइक ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए हमें इन्वेस्ट करना होगा क्या इन्वेस्ट करना होगा एजुकेशन स्किल एंड मेडिकल है ना क्या क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन स्किल एंड मेडिकल क्यों बिकॉज आप एक सपोज़ करो एक अनएजुकेटेड पर्सन है तो वो क्या हमारे लिए हो बन पाएगी बिल्कुल नहीं बन पाएगी अब है एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत बीमार है है ना वो फिट ही नहीं है तो वो हमारे लिए असेट्स थोड़ी ना हो सकती है क्योंकि ग्रो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें एजुकेटेड होना ज़रूरी है और मेंटली और फिजिकली फिट होना ज़रूरी है क्योंकि बीमार लोग प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे है ना जो वैसे एक इलिटरेट पीपल और एक अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी असेट्स नहीं होएगी तो असेट्स में कन्वर्ट करने के लिए कैसा क्या किया जाए कि हमारी जो पॉपुलेशन ओवरसर्स बन जाए तो लाइक मैंने कहा कि हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन स्किल एंड मेडिकल ये सब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तभी तो वो हमारे लिए एक ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स बनेगा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक पर्सन है उसने क्या किया अपने ग्रेजुएटेड कम्पली ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर ली उसके बाद उसने क्या किया उसने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ स्किल जन स्किल जो थी वो ले ली लाइक उसका इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में तो उसने इंजीनियरिंग कर लिया या डॉक्टरिंग में था तो डॉक्टर डौ, बन गया प्लस वो हेल्दी भी है है ना तो इट मींस वो क्या है वो अब सिर्फ ह्यूमन नहीं रहा वो ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन गया है वो रेडी है प्रोडक्शन करके आउटपुट देने के लिए फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल है जापान जो जापान है वो वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो बहुत ही कम है मींस ना के बराबर है क्यों बिकॉज एक तो वहाँ पर वैसे ही नहीं थे सेकेंडली वहाँ जो है कि नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा हैं आते हैं लाइक सुनामी फ्लड अर्थक्वेक आते ही रहते हैं तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो या तो एक्सप्लॉयड हो गए हैं या एक्सप्लोइड हो गए या फिर नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से ख़त्म हो गए हैं तो अब उसके पास क्या है बट फिर भी वो डेवलप्ड नेशंस में आता है डेवलपिंग नेशंस में नहीं आता है डेवलप्ड नेशन मीन्स जो कि डेवलप्ड हो चुके हैं जिनका विकास पूरी तरह से हो चुका है और डेवलपिंग मीन्स जो अभी भी विकास कर रहे हैं लाइक इंडिया इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है ओके okay, तो उसके पास ऐसा क्या है कि वो डेवलप्ड हो गया बिकॉज उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही नहीं उसे बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं है ना इम्पोर्ट करने का मतलब है कि उसे बाहर से दूसरे कंट्रीज से नेचुरल रिसोर्सेस को खरीदना पड़ता है ओके okay, उसने क्या किया उसने अपने ह्यूमंस को एज अ ह्यूमन रिसोर्स कंसीडर किया ह्यूमन रिसोर्स बनाया उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की स्किल डेवलप की उन्हें ट्रेंड किया और उनको और हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी अच्छी अवेलेबल करवाई तो अब क्या हुआ जापान में जो लोग हैं वो सिर्फ पॉपुलेशन जापान की जो पॉपुलेशन है वो क्या हुई लाइबिलिटी से असेट्स बन गई है ना तो अब हम हमने क्या किया असेट्स में जो भी हम इनपुट करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और हमें असेट्स हमें लाइक like, ह्यूमन में क्या इनपुट करना है क्या uh, as, क्या इन्वेस्ट करना है एजुकेशन स्किल एंड हेल्थ लाइक एजुकेशन स्किल एंड हेल्थ जो है वो हमें इन्वेस्ट uh, करना होगा ओके okay, अब ऐसा नहीं है जैसे सपोज़ करो आपके पास टेन थाउजेंड रुपीज़ थे आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया और एक साल के बाद आपको एलेवन थाउजेंड रुपीज़ मिल गए मीन्स एक साल में आपको वन थाउजेंड रुपीज़ का बेनिफिट हो गया तो अब हम अपनी पॉपुलेशन को जो हम एजुकेट कर रहे हैं उसे स्किल दे रहे हैं साथ के साथ उसे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट इतनी जल्दी हमें नहीं मिलेगा लाइक एक बंदा एक पर्सन है जो कि अभी फर्स्ट क्लास में हम उसे एजुकेट कर रहे हैं इट मीन्स वो जब जब तक स्किल डेवलप करेगा अपनी तब तक वो ट्वेंटी फाइव ईयर्स का हो जाएगा तो इट मीन्स हमें पेशेंस रखना होगा ऐसा नहीं है कि आज हमने लोगों को एजुकेट किया स्किल प्रोवाइड करवाई हेल्थ प्रोवाइड करवाई तो वो कल डेवलप्ड हो जाएंगे कल ही वो ह्यूमन से एज ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे है ना ऐसा नहीं है तो अब सपोज अब दूसरी बात ये भी है साथ के साथ कि जैसे जो एक कोई एक डॉक्टर है तो क्या उसके डॉक्टर होने का बेनिफिट सिर्फ डॉक्टर को ही मिलता है नहीं साथ के साथ पूरी सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिलता है उसी तरह से अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो जो हमारा ह्यूमन है वो ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा तो इसका बेनिफिट सिर्फ उनको ही नहीं होगा पर्टिकुलरली हमारी पूरी कंट्री को होगा पूरी सोसाइटी को होगा तो इसीलिए ये जो आपका चैप्टर है जो आज मैंने आपको क्या किया है चैप्टर सेकेंड पीपल एज रिसोर्स उसके सिर्फ आउटलाइन दी है क्या दी है आउटलाइन दी है और इसका एक ओवरव्यू है ये है ना तो आपको करना क्या है आपको इन सारे नोट्स को जो मैंने यहां लिखा है जो आपको एक्सप्लेन किया है उन्हें अच्छे से समझ लेना है और पढ़ लेना है दिस इज योर होम असाइनमेंट ओके सो दैट्स इज फॉर टुडे गुड लक बाय